और बहनों सबको मैं नमस्कार करता हूँ। और अभी आपको भक्ति सुनाने जा रहा हूँ कि अपनी प्रगति के लिए किसी बड़े व्यक्ति व्यक्ति को अपना संरक्षक जरूर बनाइए, जो मोटी गाय की तरह आपको लंबे समय तक दूध देती हैं, वैसे ही आप अच्छे बड़े इंसान को दोस्त बनाएंगे। वो कभी भी अपने के लिए अच्छे सोचते हैं और बड़े बड़े काम करते हैं, उसको आप दोस्त बनाएंगे तो आप जिंदगी भर अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। और कौन भी दुरुपयोग इंसान है उसके साथ में आप बैठ गए तो आपके पिताजी ने कष्ट करके आपके लिए खूब कमाया और आपके लिए खूब कष्ट किया, आपके माँ ने कष्ट किया, वो आप सब कुछ गमा कर बैठ सकते हैं। क्योंकि जो अच्छे इंसान के साथ में बैठेंगे उसके सोच विचार अच्छी रहेगी, और जो दोस्त अच्छे नहीं हैं उसके सोच विचार अच्छा नहीं है। जो जिसके पास में धन है वो भी धन वो एक सेकंड में चले जाता है। बहुत लोगों को मैंने ऐसा देखे, उसके बाप के पास में उसके माता के पास में खूब सारा पैसा था, बट वो बच्चा दारू पीना अलम खाना और इसमें पीना ऐसा काम सीख लिया, इसलिए माँ बापों को पूरे दुरुपयोग में लेकर के चला गया। इसलिए मुस्कुराते भक्ति का रस पान करता हूँ मैं अपने जज्बातों को, आप सभी का गुलाम करता हूँ। मेरे प्रभु से मुझे यही आशीर्वाद मिला है कि मैं आपको कुछ सुनाने से पहले प्रणाम करता हूँ। इसलिए कभी भी भक्ति करना अच्छी तरह से करना, और हमेशा के लिए हजारों लोगों को सुनाने के लिए भक्ति करनी है, अच्छी अच्छी करनी है। किसी को ज्ञान देना है, अच्छा ज्ञान देना है, दुरुपयोग ज्ञान किसी को मत देना है। क्योंकि जब दुरुपयोग रास्ते किसी को भी कृपया करके मत दिखाइए। आपको कुछ भी सीखना है तो अच्छी तरह से उसको अच्छी बातें सिखाइए जो उसके ज़िंदगी में कुछ काम आ सकते हैं और वो इंसान सफल हो सकते हैं। इसलिए आप कभी भी हमेशा के लिए अच्छी तरह आप अच्छा काम सिखाएंगे तो आपके भविष्यवाणी सब कुछ अच्छे होने वाली हैं। और अक्सर उसी राजा को पराजय का दस झेलना पड़ता है जो पहले मिली विजय से संतुष्ट होना नहीं जानता। इसलिए कभी भी आपके पास में चाहे धन कम हो या ज़्यादा, कभी भी संतुष्ट रहना सीखिए। जो मेरे लिए धन है वो मेरे लिए मेरे लड़कों के लिए काफ़ी है, मेरे को ज़्यादा लालची नहीं बनना है। क्योंकि जो इंसान लालची होता है वो इंसान कुछ काम का नहीं रहता है, वो पैसे हराम में ही जाता है। क्योंकि वो लालची बनने के बाद में एक उसके हाथों से एक पैसा भी खर्च नहीं होता है, क्योंकि वो लालची टट्टू हो जाता है, सिर्फ पैसा पैसा पैसों के पीछे घूमता फिरता रहता है। उसके हाथों से एक पैसा भी खर्चा होता भी नहीं है, और वो पैसा अपने बच्चों बड़ा होने के बाद में लड़की लड़कों के साथ में घूमने के लिए शुरू हो जाती है, और लड़का दारू पीने के लिए रेडी हो जाता है। ऐसा धन कभी भी कमा के मत रखना, क्योंकि जितना आपके पास में धन कम रहेगा और आप संतुष्ट रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर बन सकती है। इसलिए किसी भी बात को लेकर वस्त्र की चिंता मत पालिए, प्रभु के घर के हमारे लिए एक व्यवस्था की जा रही है, उस व्यवस्था को समझे और उसी में खुश होना सीख जाए। क्योंकि जो प्रभु से मेरे को मिला है वही ठीक है और मेरी ज़िंदगी अच्छी होने वाली है। रावण ने कड़वे वचन से विभीषण को खो दिया था, किंतु विभीषण ने मधुर वचन से राम को पा लिया। अगर राम और विभीषण दोनों भाई थे, और विभीषण एक अच्छा बुद्धिमान था, रावण का भाई था, तो भी उसके अंदर बहुत सारी बुद्धि थी। इसलिए आपको बनना है रावण की तरह, कभी भी मत बनिए। रावण की तरह बनेंगे आपका नाम और निशान मिट सकता है,
और विभीषण की तरह बनेंगे आपके पूरे परिवार को, आप एकजुट कर सकते हैं और हिंदू मुस्लिम ईसाई आपस में भाई भाई सबको एकजुट कर सकते हैं। हमारा देश पहले भी एक था, अभी भी एक रहेगा, चाहे जाति पाति कौन भी नहीं है, सब लोग एक ही हैं। इसलिए प्रेम से जीना सीखिए, प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। पैसा एक सेकंड में आता है, एक सेकंड में जाता है, कभी पैसा किसी के हाथों में नहीं टिकता है। इसलिए हमेशा के लिए विभीषण के तरह आप बनेंगे तो आप जिंदगी अच्छी जी सकते हैं। इसलिए रावण ने कड़वे वचन से विभीषण को खो दिया था, किंतु विभीषण ने मधुर वाणी और वचन से राम को पा लिया। अगर हम अपने वचन व्यवहार को मिठास भरा बना ले तो मित्रता के नए रिश्ते कायम किए जा सकते हैं और अपने देश के अंदर राज्य की तरह जी सकते हैं। और एक चेतावनी देता हूँ, क्योंकि आजकल बहुत लोग दुरुपयोग करते हैं छोटे छोटे व्यक्तियों के लिए, इसलिए उस लोगों को चेतावनी देता हूँ, तुम गुंडे जैसे काम करते हो, आपके कोई बात नहीं, आप गुंडे बनिए। मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूँ, आपके लड़के आपसे भी बड़ा गुंडा बन करके आपको घर से बाहर निकाल के आपको कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा के ठोकने वाला है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। किसी को आप आज दुरुपयोग में लेकर के जा रहे हैं ना, आपके बच्चे आपको दुरुपयोग का पूरा पूरा सब कुछ वही आपको दंड देने वाला है। इसलिए कृपया करके किसी को भी धोखा नहीं देना है, धोखा देंगे कुत्ते की तरह रोएंगे। आप अच्छी तरह से रहेंगे तो आप धनवान जैसा जी सकते हैं। मेरे जीवन का जो अंत हो, मेरे सामने एक सेठ हो, मेरे वोटों पे मेरे राम का नाम हो और मेरे सामने बाबा रामदेव जी का मंदिर हो, तो मेरे दिल हमेशा के लिए खुश रहता है, क्योंकि हम जीते हैं, हम प्रभु की भक्ति करते हैं और हमेशा भगवान को दिल के अंदर रखते हैं। इसलिए जो इंसान हमेशा के लिए प्रभु को याद रखता है वो कभी भी हमेशा के लिए सुखी इंसान बनता है, क्योंकि पैसा को खा नहीं सकता है, और पैसा चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा, पैसे से कुछ भी तोला नहीं जा सकता है। और जब इंसान का व्यवहार अच्छा रहता है तो और वो भक्तिशाली इंसान रहता है, उसको तोला जा सकता है। जब जन्म लेता है बच्चा, खाली हाथ आता है, जब जाता है तब उसको एक ही उसका पूरी स्टोरी एंड होता है, उसका उसको एक ही है, कितना कमाया, कितना खाया, कितना चोगा, कितना दुरुपयोग किया। जितना आप धर्म करेंगे आप स्वर्ग के अंदर सीधा चले जाएंगे, और नहीं तो आप नरक के अंदर भी आपको जगह मिलने वाली नहीं है। किस लिए आप ऐसे दुरुपयोग काम करते हैं, हमेशा के लिए आप सुधर जाइए। एक बाप के दो बेटे होते हैं, और एक बाप और दो बेटे, और दोनों का शादी हो जाता है और तीनों बाद में अलग अलग हो जाते हैं, भाड़े पे घर लेकर के एक इधर चला जाता है, एक उधर चले जाता है। बाप का 70-75 साल हो जाता है और माँ की पाँव में दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है, हाथों में दर्द रहता है। माँ रोती रहती है, बहुत कठिन काम करती है, उसको पानी पिलाने वाला नहीं रहता है, तो वो बच्चा दो पैदा करके किस लिए उसने इतना गंदा काम किया। इसलिए तो बच्चा हो तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। इसलिए आप लोगों को सबको मैं चेतावनी देता हूँ, क्योंकि जब भी आपके लड़के आप पैदा करते हैं उसको आपके सिर के ऊपर मत चढ़ाना, उसको आप कंट्रोल के अंदर रखेंगे तो आपके साथ में रह सकता है। और जितना बच्चों को छूट देंगे तो बच्चे सिर्फ घमंड के अंदर बहुत बड़ा आपके दुरुपयोग के अंदर हो जाएगा और आपके सिर के ऊपर चले जाएगा, और वो कभी भी आपके सामने बोलने वाला है। जो बाप के सामने बेटा बोलता है उसको बाप को बंदूक से भी बड़ी
दर्द होती है, क्योंकि बाप के सामने जो औलाद बोलती है वो इंसान बच्चा वो उसका लड़का नहीं है, वो दिल क्योंकि इंसान है और वो इंसान कभी भी सफल नहीं हो सकता है। क्योंकि राम के साथ में विभीषण कितने साल तक वो रहे थे और रावण रावण सिर्फ घमंड के अंदर ढेर हो गए। इसलिए कभी भी विभीषण राम लक्ष्मण सीता जैसा बनना सीखिए। इसलिए रावण जैसा आप कभी भी विचार मत रखिए, क्योंकि जब भी आप हमेशा के लिए विचार अच्छे रखेंगे और आप अच्छे अच्छे छोटे बड़े आदमियों की आप में सेवा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो छोटे छोटे इंसान हैं वो बुजुर्ग लोग हैं उसकी आप सेवा करेंगे तो आपको 100% फल मिलने के लिए तैयार रहना आप। क्योंकि जो बच्चे छोटे हैं नन्हे मुन्ने बच्चे हैं सबसे सच्चे होते हैं हमेशा के लिए, उसका सदा के लिए आपके ऊपर आशीर्वाद रहता है। और जो भी बूढ़े लोग होते हैं उसकी सेवा करेंगे तो आपको मेवा मिलेगी। वो मेवा चाहे लाख रुपए खर्चा कर लो वो ऐसी मेवा फिजूल में नहीं मिलती है। जितनी आप सेवा करेंगे उतनी आपको मेवा मिलने वाली है और आपकी ज़िंदगी में आप सक्सेस हो सकते हैं। क्योंकि जो इंसान अपने माता पिता और भाई बहन दादा दादी की सेवा करेगा और चाहे कौन किसी के घर का बच्चा छोटा हो उसको खुश रखेंगे, और चाहे किसी का भी धर्म का इंसान बूढ़ा हो उसकी आप बूढ़ा बूढ़ी की सेवा कर लेंगे तो आप ज़िंदगी के बेहतर हो सकते हैं। चाहे आपके पास में हजारों लाख करोड़ों रुपए हो, आप चाहे मंदिर में जा कर के मस्जिद में जा कर के कितना भी पैसा दे दो, कितना भी लिस्टों में नाम लिखा लो, वो कुछ काम का नहीं है। क्योंकि आपके हाथों से आप धर्म करेंगे वही आपको फल मिलने वाला है। ऐसी हराम का पैसा आप कमा कमा करके इकट्ठे करते हैं और कितना भी आप मंदिर और मस्जिदों में दे हो आपको कुछ भी फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप आपके घर के अंदर चैन की नींद लेते हैं किसके पीछे लेते हैं, क्योंकि अपने भारत के अंदर फौजी भाई बॉर्डर पर रात और दिन सेवा करते हैं। इसलिए हमारा भारत सुरक्षित है और आप चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि 24/7 RPF मिलिट्री एयरफोर्स वायुसेना नेवी सेना सभी लोग मिलकर के देश की बॉर्डर की सेवा करते हैं और भारत के प्रत्येक व्यक्ति आराम से चैन से रात में दिन में सोता है, क्योंकि हमारे भारत में सब लोग सुरक्षित है। बहुत सारी ऐसी भी कंट्री है कुछ भी कंट्री सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उसके पास में इतना पैसा मिलिट्री को देने के लिए नहीं है। इसलिए आप अपने घर के अंदर रहिए और सुरक्षित रहिए और मिट्टा से रहिए। घर के अंदर नफरत मत फैलाना, नफरत फैलाएंगे तो आपके घर में दुरुपयोग होने वाला है और आपके परिवार में मेल मिटाव होएगा और परिवार के अंदर कभी भी चैन से नहीं जी सकेंगे। इसलिए कभी भी हमेशा के लिए बिन सावन बरसात नहीं होती, सूरज डूबे बिना रात नहीं होती। कुछ आदत ऐसी हैं गुरुदेव आपको नमस्कार करता हूँ। जय बोलो बाबा राम सा पीर की जय, जय बोलो वीर दजी महाराज की जय, जय शिव शंकर भोले बाबा की जय, जय श्री राम जय श्री राम। जब तक हमेशा के लिए राम राम जपना, भगवान की माला हमेशा के लिए जपना। जो राम का दूत है उसको कान भी हरा नहीं सकता है। आपको याद करे बिना दिन की शुरुआत नहीं होती, ना गिनकर देते हैं ना तोल कर लेते हैं। जब भी मेरे दादा देते हैं दिल खोलकर हमेशा मेरे को देते हैं। इसलिए हम जीवन भर हम हमेशा के लिए अच्छी तरह से जीते हैं। मेरे को रुपये पैसे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को मेरे दादा दादी और मेरे माता पिता और भाई बहन का मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे को सिर्फ मेरे को मेरे सिर पर मेरे को आशीर्वाद चाहिए।
आशीर्वाद के अंदर सब कुछ आ जाता है और पैसे के अंदर कुछ भी नहीं आता है। पैसे को तोला जा सकता है, जो आपका सदा के लिए वो बहुत बड़ा आशीर्वाद है, वो कभी भी तोला नहीं जा सकता है। इसलिए ना ना गिन कर देते हैं, ना तोल कर देते हैं। जब भी मेरे दादा देते हैं, दिल खोल कर देते हैं और जन्म जन्म का साथ हैं। इसलिए परिवार के अंदर मिठास से जिएंगे तो आपकी जिंदगी बेहतर बन सकती है। किसी भी बात को लेकर व्यस्त चिंता मत पालिए। प्रभु के घर से हमारे लिए व्यवस्था की गई रही है और उस व्यवस्था को समझो और उसी में खुश होना सुखी का बात है। हमेशा के लिए सुखी रहिए। बाबा रामदेव को खोजने हम कहाँ जाएंगे, बिना ठिकाने हैं उनको हम कहाँ जा पाएंगे। करो भक्ति तुम चंद्रा जैसी बंधुओं। हमारे बाबा रामदेव मंदिर में बहुत हजारों लोगों की भीड़ आएगी और हमेशा के लिए भक्ति होगी और हर सब लोग खुशी से जिएंगे। इसलिए हमेशा अपना अपना धर्म के अंदर भक्ति कर सकते हैं, आपको कौन भी नहीं रोक सकते हैं। और किसी भी धर्म का पढ़ाई कर सकते हैं और आपको उचित लगे कुछ भी कर सकते हैं, बट ये कभी भी किसी का धर्म को दुरुपयोग के अंदर नहीं लेके जाना है, क्योंकि किसी को भी आप ठोस देंगे तो वापस आपको हजारों लोग ठोस 100% आपको मिलने वाली है। चौराहे की लाल बत्ती कहती है, शब्दों की गाड़ी चलाते समय हमेशा सावधानी बढ़ती है। इसलिए जीवन की 90% संशय असावधानी से बोल बैठने के कारण होती है। बोलने में चूक हुई तो समझ लो सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। इसलिए हमेशा के लिए जब आप छोटे रहते हैं, तुम्हारे माता पिता को परेशान करते हैं, उसके बाद में आप पढ़ाई करते हैं, उसके बाद आपके फ्रेंड ग्रुप के अंदर चले जाते हैं और उसके बाद में आप फालतू की टाइम वेस्ट करते हैं और उसके बाद में आप शादी कर लेते हैं, उसके बाद में आप हस्बैंड वाइफ बाहर घूमते हैं, सुबह बाहर जाते हैं, रात को वापस घर आते हैं। जब आपकी 25-30 साल उम्र हो जाती है, तुम्हारे माता पिता ने खूब कष्ट किया और तुम 25-30 साल के होकर के फालतू का उसके माँ बाप का खाना खाया। तुम लोगों को ऐसे जीने में कोई तुम्हारे जीने का हक नहीं है। तुम एक कप पानी में हथेली के अंदर पानी लेकर के डूब मरो, तुम कुछ काम के नहीं है। जीना है तो ऐसी तरह जिए, चाहे आपकी ज़िंदगी चाहे छोटी हो या बड़ी, तुम्हारे माता पिता की सपोर्ट कीजिए, उसका काम आप साथ साथ में कीजिए, उसकी माता पिता की हेल्प कीजिए, तभी आपका जीवन सफल हो सकता है। तुम ऐसे गवर्नमेंट के अंदर 25-30 साल के होकर भी कुछ काम माता पिता को कुछ नहीं करेंगे तो आप कभी भी ज़िंदगी के अंदर सफल नहीं हो पाएंगे और आपकी ज़िंदगी ऐसी बनने वाली है, आपको खाना क्या पानी भी एक गिलास मिलने वाला नहीं है। आपके साथ में मैं चैलेंज करता हूँ, जैसी आप ज़िंदगी जीने के लिए अभी रेडी है नहीं, आपके अंदर से हड्डियाँ पूरी गल जाएगी और आपको आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, दादा दादी क्या, आपके खुद के शरीर भी आपके साथ देने वाला नहीं है, क्योंकि जितना कठिन काम करेंगे उतना ही अंदर से शरीर हष्ट पुष्ट बढ़ने वाला है। इसलिए आप लोगों को एक ही बोलना चाहता हूँ, सुबह हमेशा के लिए 4-5 नीम की पत्तियाँ को थोड़ा सा कूट कर एक गिलास पानी के अंदर डालकर, थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी डालकर और गुनगुना पानी के अंदर उबालिए और आपको चाहिए तो उसके अंदर छोटा सा बिट अदरक का वो भी कूट कर डालिए और हमेशा के लिए पीना सीखिए। आपके शरीर अंदर से बहुत अच्छी रहेगी और आपके शरीर के अंदर एनर्जी बनी रहेगी और आपके शरीर में हमेशा के लिए कोई भी बीमारी फैलने की ज़रूरत भी नहीं है।
या आपके शरीर में कौन सी भी बीमारी है वो भी ठीक हो जाएगी। हमेशा के लिए शरीर ठंडा रखना है, पेट को हमेशा के लिए थोड़ा खाली रखना है और हमेशा के लिए पाँव को गर्म रखना है। जब आप ऐसी आप दिमाग के अंदर रख लेंगे, आपके पास में चाहे कोरोना आदमी बैठे रहेंगे तो भी आपको कोरोना आने वाला नहीं है, या आपको कोरोना आ गया तो भी आप डरना नहीं। आप ऐसी मन के अंदर दिमाग के अंदर रखना, कोरोना मरेगा भारत जीतेगा, कोरोना मरेगा मैं भी भारत के साथ जीतूंगा, ऐसा आप मन दिमाग के अंदर फिट कर लिया तो आप जी सकते हैं। और चाहे आप कितना भी दिल के धनवान है और आपके कोरोना हो गया, आप घबरा गए, तो घबराने के पीछे आपकी जान लेवा जान भी जा सकती, क्योंकि जो इंसान डर गया वो इंसान मर गया, जो इंसान हंस गया वो हमेशा के लिए ज़िंदगी जीने के लिए मुस्कराते रहेगा, क्योंकि जो दिमाग हमेशा ठंडा रखता है और मुंह पर मुस्कुराते रखता है उसके कभी भी बीमारी नहीं लगती है, क्योंकि जो जब जब इंसान हंसता है उसका खून का दौरा तेज़ी से होता है और उसका खून साफ होता है। जो करोड़ों करोड़ों रुपए इकट्ठा करते रहते हैं और घर के अंदर खाते हैं, जब उसके दो दो बच्चे हो जाते हैं और वो भरपूर काम करते हैं और बाप उस बच्चे को खूब बोलता है तुम लोग दुकाना मत खोलो, थोड़ा बहुत दिन रुक जाओ, अभी धंधा करने का टाइम नहीं है, अभी सिर्फ खाने पीने घर के अंदर ही रहने, और उस बाप से दोनों बच्चे ऐसी बेफालतू की बातें करके वो दुकान जाते हैं और उस बाप को बाद में सोच सोच कर हार्ट अटैक आ जाता है और वो इंसान बाद में बड़े बड़े हॉस्पिटलों के अंदर जाकर ओपन सर्जरी कराता है और उसको बाद में भी चैन नहीं होती है, क्योंकि पैसा हराम का कमाया हुआ हमेशा के लिए दिल के अंदर दौड़ता रहता है, मैंने इतना पैसा हराम का कमाया कब तक जीऊँगा, मेरे पीछे क्या होने वाला है, मेरे लड़के कैसे जिएंगे, मेरी बीवी कैसे जिएंगी। इसलिए आप लोगों को चेतावनी देता हूँ, हमेशा के लिए पैसा ज़रूरी नहीं है, इज्जत ज़रूरी और इनामदार होना ज़रूरी है, इसलिए पैसा कमती बहुत भी चलेगा, खाना हमेशा के लिए ज़रूरी है। इसलिए जहाँ चाहे आप घर के आपके परिवार के अंदर आप साथ में बैठकर खाना खाना बहुत कठिन है और खाना बनाना भी कठिन है और आप परिवार के साथ में नहीं हैं, चाहे हजारों किलोमीटर दूर हैं और आप प्रेम से रहते हैं, तो हमेशा के लिए आपको चैन से जी सकते हैं। और आप परिवार के साथ में नहीं हैं, आप अगल बगल आजू बाजू घर में रहते हैं और माँ बाप से वो बातें नहीं करता है, वो इंसान नहीं कहलाता है, वो माँ बाप का दुरुपयोगी इंसान है, वो कभी भी जिंदगी में सफल नहीं होता है, क्योंकि जो इंसान माँ बाप का खून पीता है वो कभी भी सक्सेस नहीं होता है। चाहे लड़का या लड़की माँ बाप से चाहे कितनी भी दूर हो, वो हमेशा माता पिता से प्रेम से बात करती हैं और देखभाल करती हैं, तो भी चाहे लड़का लड़की कितना भी दूर हो उसके सदा के लिए माँ बाप का उसके ऊपर आशीर्वाद रहता है। इसलिए ज़िंदगी हमेशा के लिए आप कितना भी जी सकते हैं। चौराहे की लाल बत्ती कहती है शब्दों की गाड़ी चलाते समय हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए और जीवन की 90% समस्याएं असावधानी से बोल बैठने के कारण होती हैं, बोलने में चूक हुई तो समझ लो सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। इसलिए अपने हमेशा के लिए अच्छी अच्छी व्यवहार रखना सीखिए, अपने पड़ोसी के घर कभी प्रेम से पकोड़े बेच कर देखे, कल उनके यहाँ से आपके घर उतने ही प्रेम से पकवान लौट कर आएगा। आप लोगों को एक चेतावनी देता हूँ, क्योंकि जब मेरे दादा दादी बहुत बड़ा परिवार था और उसके बाद में सब भाई मेरे दादा के 5 पुत्र थे, वो सभी अलग अलग हो गए और अभी हम सभी छोटे छोटे परिवार हो गए हैं,
इसलिए हमेशा के लिए बड़ा परिवार हुआ तो बहुत खुशहाली से जी सकते हैं। छोटे छोटे परिवार के अंदर बहुत बड़ी बड़ी परेशानी आती है। जो परिवार बड़ा रहता है वो बहुत हमेशा के लिए खुशी से रहता है और खुशी से जीता है। और आजकल तो बहुत छोटे छोटे परिवार होते जा रहे हैं और वो बहुत दुखी से जीवन भर रोते रहते हैं, क्योंकि पहले 2 दिन की चांदनी रात फिर अंधेरी रात, पहले वो शुरू शुरू में अपने अपने शरीर के ऊपर घमंड घमंड में अलग हो जाते हैं, बाद में सिर भीत से जाकर के फोड़ते हैं, क्योंकि 2 दिन की चांदनी रात फिर अंधेरी रात शुरू शुरू में अलग होकर के चले जाते हैं। 5-10 दिन बहुत सुंदर लगता है, उसके बाद में उसको बहुत रात और दिन रोना पड़ता है, क्योंकि अलग होना बहुत बहुत दुर्भाग्य की बातें हैं। उनसे भी कुछ काम होता भी नहीं है और उसकी ज़िंदगी भी सफल होती नहीं है। इसलिए पल के झुके तो नमक हो जाए, मस्तक झुके तो वंदन हो जाए, ऐसे क्या करूँ दादा कि आपको याद करूँ और आपके दर्शन हो जाए। इसलिए हमेशा के लिए मेरे दादा का मेरे सिर पर आशीर्वाद चाहिए, मेरे को दादा का आशीर्वाद जन्म जन्म के लिए मेरे को आशीर्वाद चाहिए। इसलिए अभी मैं भक्ति की वाणी को ख़त्म करता हूँ। कृपया करके जल्दी से जल्दी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए ये मेरी भक्ति की वाणी आपको कैसी लगी है। और आप जब तक मेरे को रिप्लाई नहीं मिलेगी, आपको कोई भी मेरा मैसेज आपको तक मिलने का चांस भी नहीं रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।